झारखंड में तेजी से बदल रहे राजनीतिक समीकरण के बीच 3 जनवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जेएमएम के सभी मंत्रियों, विधायकों के अलावा गठबंधन में शामिल कांग्रेस, आरजेडी और माले विधायकों को बुलाया गया है। बैठक मुख्यमंत्री आवास स्थित सभागार में बुधवार को शाम 4:30 बजे होगी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बन सकती है। जेएमएम और गठबंधन में शामिल कांग्रेस, आरजेडी और माले विधायक की बैठक बुलाने के पहले मंगलवार को राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन सीएम आवास पहुंचे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से काफी देर तक चर्चा की। ईडी की कार्रवाई और उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए तमाम संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इससे पहले जेएम विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। उनके त्याग पत्र को स्पीकर ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में सत्ता सौंप सकते हैं। उनको विधायक दल का नेता चुनने में भी किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल का समय बाकी रह जाता है, ऐसी स्थिति में वहां कोई सीट खाली होने पर विधानसभा उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कहा कि गांडे सीट खाली हुई है और वहां से सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं तो बड़ी गलती करेंगे। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके विधायक बनने में कानूनी अड़चन है। बीजेपी इसे रोकने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करेगी।